मीडिया नई सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में श्रीमती किरण सुनील वैद्य जी के पास हैं, आइए जाने उनसे। मैम आपका स्वागत है फेस टू फेस में। सबसे पहला आप जीतने के बाद मैम चार बड़े कौन से कार्य करेंगे त्रिलोकपुरी विधानसभा में? मैं किरण वैद्य त्रिलोकपुरी विधानसभा के प्रत्याशी। मुझे पता है कि इस टाइम बहुमत हमारा है, बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है और हम ये सीट पक्का जीतने वाले हैं। और मैं जीतने के बाद सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पर पानी साफ। त्रिलोकपुरी वासी जब से केजरीवाल की सरकार आई है गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो हमारी सबसे पहले यह है कि यहाँ पर स्वच्छ जल मिलना चाहिए। और दूसरा यहाँ की रोड सड़कें, जो स्वर्गीय सुनील वैद्य जी जो मेरे पति थे उनके स्वर्गवास के बाद ये यहाँ पर जो विधायक बन के आए हैं राजू दिगान जी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। सड़कें आप देखो जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो वैसे के वैसे हैं, और उन सड़कों को बनाने का काम करेंगे हम लोग। और दूसरा यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी काम है, महिलाएँ निकलती है किसी का पर्स छीन लेते हैं किसी का वो, तो उस सुरक्षा के लिए भी ध्यान देंगे हम लोग। और चौथा काम ये है कि हम लोग जितना भी यहाँ पर जो विकास कर रहे हैं जो एक विधायक के अंडर में आते हैं वो मिलकर करेंगे। मोदी जी के कितने चार बड़े बड़े काम किया, इन चार बड़े कामों के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मोदी जी ने जितने बड़े कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं कि मोदी जी ने पाँच छः साल के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे तीन तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्य, मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने पास करी हैं, उनको जमीनी स्तर तक उतारने की जरूरत है। इस बार अभी आम आदमी पार्टी कितना भयभीत है आपको भी पता है, उनकी सत्ता जाने वाली है क्योंकि उन्होंने झूठ के दम पर सरकार बनाई थी, तो झूठ के दम पर टिकी हुई सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। जनता को आप अपील कर क्या कार्य के बारे में? मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के सभी निवासियों से अपील करना चाहती हूँ, त्रिलोकपुरी के नहीं पूरी दिल्ली के निवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद।